व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलोर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, और शानदार इतना है कि ये बात कर रहे हैं हमारी अर्थ के बारे में, और अर्थ के बारे में बार बार होती है इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस तरीके जो डे होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर साथ में आएगा तो ही इसका सोल्यूशन निकाल पाएगा। वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 22 अप्रैल को इसको हम लोग इंजॉय करते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं, और इसी के साथ में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि मदर अर्थ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग इंसान यहाँ पर रह रहे हैं, और आने वाली जनता भी यहाँ पर जो रहने वाली है फ्यूचर में, हमारी जनरेशन नेक्स्ट वो रहेगी तभी अगर हम लोग इस अर्थ को एक ऐसी अर्थ छोड़कर जाएंगे कि ये रहने के लायक यहाँ पर रह सके। इसी के चलते यहाँ पर जो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है वो है प्रोटेक्ट ओवर स्पीसीज। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने थीम है, और थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आप लोगों से डायरेक्ट थीम पूछ ली जाती है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में थोड़ा याद रखिए, क्योंकि वो थीम जो होती है वो पूरे साल उसके ऊपर काम करना उनको होता है कि हाँ इस साल इस चीज पर फोकस देकर हम लोग चलने वाले हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसी थीम है, उस तरीके की स्पीसीज पर फोकस दिया जाएगा जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यानी कि खत्म होने वाली है पृथ्वी पे से, किसी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, या फिर पोल्यूशन की वजह से, या इल्लीगल जो पोचिंग हो रही है, यानी कि जो चिड़िया होती हैं, दूसरी स्पीसीज होती हैं, जो दूसरे पशु पक्षी हैं धरती पर उनको मारकर खाया जा रहा है, या फॉरेस्ट काटने की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे फोकस देने वाले हैं अब की बार। 22 अप्रैल थीम क्या एरिया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं, आइए चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। यहाँ पर बात करते हैं एक छोटे से क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे, आप लोगों को स्कोर को चेक करके अपना नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना है। सबसे पहले बात की जा रही है, इंडिया ने अभी रिसेंटली हेल्प की नेपाल में एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने 18.9 मिलियन नेपालीज रुपी यहाँ पर दिए इनकी हेल्प करने के लिए। वो कौन सी मोनेस्ट्री है जो यहाँ पर बनाई गई नेपाल में इंडिया की हेल्प से। सातवां चाइना इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फेयर, जिसको आप लोग CITF भी बोल सकती हैं, ये अभी संघाई में देखने को मिला। ये संघाई में देखने को मिला, एक तरीके का प्रोफेशनल फेयर रहता है जो कि फोकस किया जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे। फर्स्ट एग्जीबिशन इसका कब हुआ था, ये अभी आप लोगों को सातवां एडिशन इसका देखने को मिल रहा है, फर्स्ट कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, जिसके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया गया है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, वायलेंस देखने को मिला काफी बड़ा, ये है यहाँ पर है मोपट्टी रीजन, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये रीजन पड़ता है, क्योंकि कई बार कंट्री के नाम और पर्टिकुलर एरिया का नाम पूछ लिया जाता है, वो किसी न किसी रीजन से न्यूज में होता है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कंट्री का जो हज का कोटा है वो बढ़ा दिया गया है, जो पहले 1,75,000 हुआ करता था अब उसको बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो गया ये हज का कोटा ये आप लोगों को बताना है। एक किताब का टाइटल यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो कि लिखी गई थी खासकर एक यहाँ पर 100 वर्ष जो पूरे हुए, जो अभी जलियांवाला बाग आप लोगों को देखने को मिला। तो ये जो लिखी गई है, लिखी क्या गई है, एक तरीके से ट्रांसलेट की गई है नवदीप सिंह सूरी के द्वारा। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इस किताब का टाइटल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात बतानी है इंडिया के बारे में, इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन देखने को मिली इंडिया की एक पर्सनैलिटी के द्वारा 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में रेसलिंग के अंदर। तो ये पर्सनैलिटी का नाम कौन है, नाम क्या है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है ये आप लोगों का क्वेश्चन, आंसर बताऊंगा अभी, मैच करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना। सबसे पहले बात करते हैं मोनेस्ट्री के बारे में, इसका नाम है यहाँ पर छोईफेल कुडलिंग मोनेस्ट्री, ये इंडिया की हेल्प से यहाँ पर बनाई गई है, अपग्रेड किया गया है इसको, बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, ये यहाँ पर 2013 में स्टार्ट हुआ था, जो चाइना इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल फेयर है, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का फेयर है, ये अभी सातवां एडिशन इसका देखने को मिल रहा है। माली के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी रिजिग्नेशन दिया गया, क्योंकि जो यहाँ पर मोपट्टी रीजन है काफी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली, इस वजह से इनके द्वारा रिजिग्नेशन दे दिया गया। सऊदी अरब के द्वारा जो अभी यहाँ पर हज का कोटा ये कंफर्म किया गया है, ये 2 लाख कंफर्म किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1,75,000 चलता था, अभी यहाँ पर 25,000 और बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में खूनी वैसाखी, ये है किताब का नाम, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में जब जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाई गई तो वो बैसाखी का दिन था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको खूनी बैसाखी के नाम से इसका नाम दिया गया है, और रिलीज की गई है ये भी अबू धाबी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है एम्बेसडर, ये है एम्बेसडर हमारी कंट्री के जो हाई कमिश्नर है अबू धाबी में, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये ट्रांसलेट की गई है।
चलिए क्वेश्चन और बताइए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो किताब है ये लिखी किस पर्सनैलिटी के द्वारा गई थी, इनके द्वारा भी ट्रांसलेट की गई है ठीक है, इंग्लिश के अंदर लिखी किसके द्वारा गई थी उनका नाम आप लोगों को बताना है ठीक है। ये है यहाँ पर नवदीप सिंह सूरी, तो इनका नाम आप लोग याद रखिए जिसके द्वारा लिखी गई थी, अब उनका नाम बताइए। बजरंग पूनिया है वो पर्सनैलिटी जिनके द्वारा 65 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड में टॉप पोजीशन यहाँ पर अचीव कर लिया, फिर से नवंबर में की थी, अब सेकंड टाइम फिर से कर लिए। गोरुमा नेशनल पार्क ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, यानी कि जो रिपोर्टर है अगर किसी कंट्री में उसकी क्या कंडीशन है, वहां पर जो जर्नलिस्ट है हमारी कंट्री में उनकी क्या कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई जा रही है। अगर अपनी कंट्री में आप लोग जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो पहले के कंपेयर में जो रिपोर्टर है जर्नलिस्ट है उनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहले जितना फ्रीली वो अपनी रिपोर्टिंग किया करते थे उतना फ्रीली अब रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। ये बोल रहा है जो रिपोर्ट विदाउट, जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके द्वारा यहाँ पर ये बोली गई है। तो जो ये इंडेक्स अभी रिलीज किया गया है वर्ल्ड प्रेस, ये है यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर यहाँ पर इसको रिलीज करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है पास्ट में भी, क्योंकि जब बात करते हैं जर्नलिज्म की तो ये किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेटिव ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है, इसी तरीके से प्रेस भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अवेयर कराता है जनता को क्या सही और क्या गलत चल रहा है। 38 रैंक थी हमारी, जो पहले 138 रैंक थी अब यहाँ पर 140 हो गई है, यानी कि और भी नीचे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए इस इंडेक्स में। हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट की हालत और ज्यादा खस्ता है आज की डेट में, और 6 से ज्यादा जर्नलिस्ट यहाँ पर मारे गए हैं 2018 में। ये बात भी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कुछ यहाँ पर पुलिस की मार खाई, किसी ने यहाँ पर एक तरीके से मोब अटैक किया गया, किसी को यहाँ पर करप्ट पॉलिटिशियन का शिकार हो गए, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारी कंट्री में आज की डेट में रिसेंट टाइम में जर्नलिस्ट की जो हालत हो रही है वो डिग्रेड क्यों होती जा रही है, तो इस तरीके क्वेश्चन भी आप लोगों से मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये है यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। साउथ सूडान यहाँ पर जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है उसमें 150 इंडियन पीस कीपर काम कर रहे हैं, तो उनको अभी यहाँ पर एक तरीके से ऑनर मेडल दिया गया जो डेडिकेटेडली उन्होंने वहां पर काम किया है साउथ सूडान के अंदर। साउथ सूडान के अंदर भी ये है, ये यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं, इसको बोलते हैं मालाकल रीजन। मालाकल रीजन में जो काम किया गया उसके तहत यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, और जो कमांड यहाँ पर हेड की जा रही है उसका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये है कर्नल, अगर कर्नल की बात करें यहाँ पर अमित गुप्ता, इनके द्वारा जो कमांड है ये है 850 जो सोल्जर यहाँ पर अपर नाइल रीजन में साउथ सूडान में वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है एयर इंडिया के बारे में और जेट एयरवेज के बारे में। जेट एयरवेज की खस्ता हालत है आज की डेट में, तो इसीलिए यहाँ पर एयर इंडिया ने जेट एयरवेज का जो स्टाफ है वो उसने एक तरीके से उनको जॉब देना स्टार्ट कर दिया है। 150 जो क्रू मेंबर हैं यहाँ पर जेट एयरवेज के वो इंटरनेशनल रूट पे जो काम करते थे बोइंग 777 या बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में, उनको अभी फिलहाल किसने, एयर इंडिया ने जॉब दे दी है यहाँ पर, तो देखते हैं आगे कैसे और सोल्यूशन यहाँ पर निकलता है। और इसी के साथ में जो पैसेंजर है यहाँ पर उनको भी यहाँ पर एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, उनके टिकट कंफर्म किए जा रहे हैं जिसने यहाँ पर इसमें टिकट अब तक करा रखे थे, तो ये भी एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में एक और यहाँ पर साथ में जो मिलकर काम करने के लिए तैयार है वो स्पाइस जेट, ये भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रही है ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जेट एयरवेज है उसकी हालत खस्ता है और वो एक तरीके से डूब चुकी है कंप्लीटली, और कोई भी उसे बचाने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बोला जा रहा है बचाने का कोई फायदा नहीं है, इतना बर्डन आज के डेट में उसके ऊपर है, तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। अभी फिलहाल ये बात है आप लोगों के सामने, हांगकांग इक्विटी जो मार्केट है वो आज की डेट में वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इक्विटी मार्केट बन चुकी है, किसके बाद में, यूएसए और चाइना के बाद में, यानी कि जापान को रिप्लेस करकर चौथी पोजीशन पर हांगकांग ने पहुंचा दिया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर वर्ष ईयर की बात करें हांगकांग के लिए 2011 माना जा रहा है, और आज के डेट में ये वर्ल्ड में तीसरी पोजीशन पर है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो TCS जिसको आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसके द्वारा अभी गूगल के साथ में काम करने की बात कर रहे हैं, खासकर क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो कस्टमर फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, खासकर जो एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिले यहाँ पर, नेटिव अपना खुद का एनालिस्ट एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल सके, पर्सनलाइज डेटा को भी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सिक्योर किया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा महंगा ना पड़े, तो फ्यूचर के लिए इस तरीके से काम करने के लिए गूगल और टाटा ने साथ काम करने की बात यहाँ पर कही है।
अच्छा हमारी कंट्री की जो टीसीएस है इसके बारे में थोड़ा जाकर आप लोग पढ़िएगा, आखिर इसका कब गठन किया गया था, ठीक है, इसकी हिस्ट्री आप लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी है हमारी कंट्री की, अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करेंगे कि टॉप थ्री जो यहाँ पर आईटी फील्ड की कंपनी है उसमें इसकी कितनी पोजीशन है, यानी कि टॉप थ्री आईटी कंपनी का भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है नासा में, तो नासा की एक फीमेल पर्सनैलिटी जो कि यह माना जा रहा है कि फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, नाम क्या था, इनका नाम था जेरी कोब। इसके अलावा 1961 में जेरी कोब के द्वारा जो फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टेस्ट पास किया गया वो काफी शानदार था, क्योंकि जिस तरीके से इनकी इनकी जो जर्नी रही है इसके बाद भी यहाँ पर काफी कुछ लोग बाहर निकल कर आए, 13 वुमेन ने पास किया आगे चल के, फिर आगे चल के सात जो अलग से मरकरी 7 एस्ट्रोनॉट बोला गया, तो इस तरीके से जो सब मिलाकर भी अगर देख लिया जाए जो इनकी परफॉर्मेंस रही है स्पेस में 1962 में, तो इस तरीके से किसी की यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे शानदार तरीके से, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए, काफी अच्छा लगा आप लोगों के आंसर देख के, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है और बहुत सारे बच्चों ने तो डिटेल में आंसर दिए हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर कांग्रेस सेशन की बात की जाए 1924 में, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर ये सेशन प्रिजाइड किया गया था, यानी कि महात्मा गांधी जी यहाँ पर हेड थे इस सेशन के, और ये बेलगांव में सेशन देखने को मिला था, 39 सेशन था ये, और सबसे बड़ी बात ये कि ये ओनली एक अकेला सेशन था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, ना आगे ना पीछे, और कोई सेशन इनके द्वारा यहाँ पर प्रिजाइड नहीं किया गया था एज ए प्रेजिडेंट। तो नाम याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसकी वजह से नॉर्मली ये जो बैसाखी आप लोगों को देखने को मिली, खूनी बैसाखी मिल गई 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर, ये दो पर्सनैलिटी गिरफ्तार की गई थी जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सत्यपाल मलिक और यहाँ पर यह सैफुद्दीन किचलू, तो इनकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट मेनली किया जा रहा था। नेक्स्ट बात करें बॉर्डर लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो यह द्रुंद लाइन, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, और नॉर्मली आप लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन है जो कि पाक ऑक्युपाइड एरिया है और यहाँ से अफगानिस्तान टच करता हुआ जाता है, बाकी आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पीछे भी आप लोगों से कोई पूछे तो तब भी आप लोगों का जो आंसर होगा वो यहाँ पर सिमिलर होगा, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान की लाइन को क्या बोला जाता है उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, उसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आइए नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। सबसे पहली न्यूज है यहाँ पर ये टाइम्स के द्वारा जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2019 में जिनको बताया जा रहा है उनकी बात की जा रही है, यानी कि वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंस जो आर्टिस्ट डांसर या फिर और अलग अलग अमीर आदमी है उनकी बात की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, पब्लिक इंटरेस्ट अगर बात करें यहाँ पर लिटिगेटर ये बात की जा रही है किसके बारे में, तीन पर्सनैलिटी है, तीनों का नाम आप लोग याद रखते हैं, एक तो है मुकेश अंबानी, दूसरे यहाँ पर ये अरुंधति काटजू और तीसरे हैं मेनका गुरुस्वामी, तो इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि हमारी कंट्री में एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो राइट की बात की गई इनके द्वारा काफी बड़ा उनके द्वारा सपोर्ट किया गया, तो इसीलिए जो टॉप इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी में आप लोगों को यहाँ पर इन इंडियंस का नाम देखने को मिलेगा। बाकी लिस्ट में और भी कई सारी पर्सनैलिटी है जिनका नाम है हसन मिनहाज, इसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर अगर बात करें तो पोप फ्रांसिस, इसी के साथ में चाइना के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और भी कई सारे जैसे कि हो गए यहाँ पर गोल्फर टाइगर वुड, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल यहाँ पर माना जा रहा है 2019 के अंदर, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है कम से कम उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट कन्नम्मा के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट है, खासकर सैनिटरी जो नैपकिन होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई इस प्रोजेक्ट के तहत। ये एक इनिशिएटिव था जो कि स्टार्ट किया गया था रोटेटरी क्लब मद्रास, जो खासकर तमिलनाडु की अगर बात करें उसमें फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन स्टूडेंट जो हैं उनको प्रोवाइड कराने की बात की गई 2018 से। तो देखिए यहाँ पर खासकर फोकस और भी दिया गया जो ट्राइबल, किसके द्वारा, जो खासकर अगर बात की जाए जो ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन है उनके लिए भी यहाँ पर और फोकस दिया गया, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर इरुला ट्राइबल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। तो जो वुमेन को यहाँ पर लगभग 1000 पेड यहाँ पर डे के हिसाब से जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी जो मशीन थी वो बना रही थी यहाँ पर, उसका आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर इन सब चीजों के बारे में जब तक पैडमैन मूवी नहीं आई थी लोग डिस्कस करते हुए भी शर्माते थे, आज के में थोड़ा ओपन हो गए, वो एक अच्छी बात है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंपलसरी है, एक नेचुरल प्रोसीजर होता है जिसके लिए यहाँ पर ये स्त्री चीजों को जो छुपाया जा रहा था अब तक कम से कम अब कोर्ट डिस्कस कर रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है ये सैनिटरी नैपकिन।
जो ब्रांड का नेम यहाँ पर दिया गया है वो है अवराम। तो प्रोजेक्ट है कन्नम्मा और ब्रांड का नाम है अवराम, जिसके तहत जो यहाँ पर ये काफी सस्ती लगभग बोला जा रहा है कि 22 रुपए में जो सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर 22 रुपए में यहाँ पर ये मिलती है और खासकर सपोर्ट कर रही है जो खासकर ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए, एक तरीके से जो भी उनको मिल रही है तो ये काफी बड़ी आप लोग बात बोल सकते हैं। 15,000 पैड्स पर मंथ यहाँ पर बेची जा रही है, जो कि लगभग यहाँ पर जो फैमिलीज हैं 12 ट्राइबल वुमेन भी यहाँ पर इसकी वजह से सस्टेन कर रही है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह प्रोजेक्ट था ट्राइबल कम्युनिटी में, जो यहाँ पर नैपकिन बनाने का ये स्टार्ट किया गया उसकी वजह से जो भी मिल रही है और सोसाइटी को फायदा भी हो रहा है और सस्ती यहाँ पर टिकाऊ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल नैपकिन यहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये आप लोगों के सामने इसकी पिक्चर भी है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक गाइडेड मिसाइल के बारे में, जो कि आप लोग याद रखते हैं। इसका नाम है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये है इम्फाल, ठीक है। तो इम्फाल के बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये अभी यहाँ पर जो ये मिसाइल थी बात की जा रही है यहाँ पर, ये स्टार्ट की गई कहाँ पर, ये मुंबई के अंदर में। तो ये लॉन्च की गई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहाँ क्या है, मुंबई के अंडर में। और ये इम्फाल जो है ये थर्ड शिप है जो कि लॉन्च किया गया अंडर प्रोजेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपर्पज के लिए आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर यूज किया जाता है, खासकर मल्टी रोल के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नेवी है उसकी जो कैपेसिटी है ये इनहेंस करेगा, काफी इंपोर्टेंट। तो इसके बारे में याद रखते हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट, इसके बारे में याद रखिएगा, लॉन्च किया गया मुंबई के अंदर में इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में न्यूज। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है गूगल की साइड से निकल के आ रही है, गूगल के द्वारा यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया है, अगर आप लोग गोल्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो ऐप से खरीद सकते हैं, जिसको आप लोग गूगल पे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इंडियन कस्टमर के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है कि आप लोग ऑनलाइन अब गोल्ड भी खरीद सकते हैं। MMTC यहाँ पर PAM जो यहाँ पर PAMP जो इंडिया है उसके द्वारा यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है इसके साथ में, ताकि आने वाले टाइम में ऑनलाइन गोल्ड भी खरीदा जा सके, वो भी एक तरीके से ट्रस्टवर्दी गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड की बात की जा रही है, जो कि 99.9% जो होता है वो यहाँ पर एक तरीके से प्योर गोल्ड माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो प्राइस रहेगा वो जो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा मार्केट में वो हर टाइम रिफ्रेश आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, यानी कि हर टाइम यहाँ पर हर मिनट आप लोगों को नया प्राइस देखने को मिलेगा जो मार्केट में अवेलेबल होगा, यानी कि फिक्स चल रहा है यहाँ पर, बस वो फिक्स ही चलता रहेगा। जो मार्केट का प्राइस रहेगा वो देखने को मिलेगा। वॉलेट में अगर आप लोग से जैसे पेटीएम हो गया या फिर मोबिक हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये ऐप यहाँ पर ये काम करने वाला है। और ये जो ऐप है यहाँ पर ये एक तरीके से पार्टनरशिप है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के साथ में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये टोटल गूगल पे की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है हमारी कंट्री की, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है IOCL जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 यहाँ पर इसको मिला है, जो कि आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर का अवार्ड है। यानी कि एक ऐसा PSU इसके द्वारा शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी गई है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये दिया जाता है। जो अवार्ड यहाँ पर प्रेजेंट किया गया ये फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा, किसको यहाँ पर दिया गया, ये संजीव सिंह चेयरमैन है जो इंडियन ऑयल के, उनको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो अवार्ड है यहाँ पर ये 11 कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि यहाँ पर हेड की जाती है, हेड की गई यहाँ पर संजय गोयनका के द्वारा, और लगभग 11 जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया। क्या है यहाँ पर जो AIMA जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और ये एपेक्स बॉडी है जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होते हैं प्रोफेशनल उसके बारे में यहाँ पर बात करती है, कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजर आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी को एक अच्छी पोजिशन पर पहुंचाते हैं उनके बारे में इसको बोला जा रहा है। IOC है इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा कि कब इसका गठन किया गया था, क्या क्या सिचुएशन है, कुछ हल्का सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए, कल फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि स्पोर्ट न्यूज की बात की जा रही है। तो दो पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को पता होंगे, हार्दिक पांड्या और KL राहुल। तो यहाँ पर 20 लाख रुपीज का फाइन इनके ऊपर लगाया गया है, यानी कि 20 लाख रुपीज हर एक को देने पड़ेंगे, इनके 40 लाख रुपीज देने पड़ेंगे इनको, जो कमेंट इनके द्वारा किए गए थे, खासकर जो महिलाओं को लेकर जो कमेंट किए गए थे लड़कियों के लेकर, उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आई है जस्टिस जैन की। तो जस्टिस जैन के द्वारा बोला गया कि फर्दर एक्शन कुछ नहीं लिया जाएगा इनके खिलाफ, क्योंकि अगर इन्होंने एक तरीके से अनकंडीशनल अपोलॉजी इनके द्वारा मांग ली गई है, अब यहाँ पर ये फाइन भरने के बाद में फिर ये आसानी से आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप की टीम में भी नाम आप लोगों को पता होगा, तो इस तरीके से आने वाले टाइम में अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसका सोल्यूशन लगभग निकल चुका है, इनके द्वारा माफी मांग ली गई थी, पर लेकिन एक इस तरीके की पर्सनैलिटी के द्वारा इस तरीके कमेंट करना ये कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो जो आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है अमरपाल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, खासकर एक सिंगर थे जो कि कोलकाता से बिलोंग करते थे, 96 एज की उम्र में इनकी अभी डेथ हुई है,
और ये खासकर जो सफर कर रहे थे ये बीमारी थी इनको डिजीज जो कि जिसकी वजह से इनकी जान गई है। इंपॉर्टेंट बात ये है आपा कि ये जो है आकाशवाणी कोलकाता के साथ में काम कर चुके हैं, ये एक लीजेंडरी बंगाली फोक सिंगर थे, यहाँ पर सॉन्ग गाया करते थे। इसी के साथ में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इनको संगीत महासम्मान 2012 में इनको दिया गया था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए संगीत के फील्ड में। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इनके बारे में। आइए अब जानते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। जो आज का नेशनल पार्क है ये आप लोगों के सामने, ये फिर से आप लोगों का यहाँ पर रिविजन हो रहा है, हालांकि मैं इसको डिस्कस कर चुका था। तो गुरुमारा नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर जानते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इसको भूल गया चेंज करना। एक्चुअली बात ये है, रियलिटी आप लोगों को बताऊं तो, चलिए कोई नहीं, रिवाइज कर लीजिए, कल फिर नया नेशनल पार्क हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे नेशनल पार्क की अगर कंप्लीट सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ऑल इंडिया के सारे नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, साउथ इंडिया में कौन सा है, वो ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, उनको जाकर भी आप लोग देखते हैं अगर एक ही फ्लो में आप लोग देखना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। गुरुमारा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो राइनोज यानी कि वन सिंह का जो गैंडा होता है उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी फेमस रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर के द्वारा यहाँ पर मोस्ट एक बेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया का इसको दर्जा दिया गया था 2009 में। तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये जो लेक्चर है आप लोगों का पॉलिटिकल रिविजन के बारे में, जो आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है, अलग अलग चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल मिला के हमारी कंट्री में 7 यूनियन टेरिटरी है, पर लेकिन क्यों ये यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई है उसके पीछे एक रीजन है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कौन क्रिएट की गई है, कल्चर रीजन की वजह से कौन क्रिएट की गई, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किसकी है, और स्पेशल ट्रीटमेंट केयर जिनको दिया गया वो कौन से है ट्राइबल लोगों की वजह से। हालांकि ये लास्ट वाली कैटेगरी आगे चल के राज्य बन गए, पर लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है, ये आंसर आप लोगों को देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा लेक्चर का, जो कि जाकर आप लोगों को रिवाइज करना है। आइए देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज होगा जो कि आप लोगों को आंसर करना है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की इंपोर्टेंट डे के बारे में, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्विज जाना, इसके साथ में नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में जो कि जर्नलिस्ट की कंडीशन हमारी कंट्री में बता रही थी। इसी के साथ में हम लोगों ने साउथ सूडान में अपना मिशन देखा, हमारी कंट्री की जो फोर्सेज है उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया और एक अवार्ड देकर स्पेस जो यहाँ पर एयर इंडिया है, इसी के साथ में जेट एयरवेज है, और इसी के साथ में जो काम कर रही है यहाँ पर स्पाइस जेट, तो ये मिलकर यहाँ पर कंडीशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जो कि बुरी हालत आज के में हो चुकी है। हांगकांग की इक्विटी मार्केट यहाँ पर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ चुकी है चाइना और यूएसए के बाद में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना टाटा कंसल्टेंसी की पार्टनरशिप के बारे में, इसी के साथ में हम लोगों ने फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट के बारे में जाना जो कि यूएसए की थी, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के द्वारा शानदार तरीके से दिए गए थे, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी के बारे में जाना हम लोगों ने, इसके अलावा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है तमिलनाडु में, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फॉल के बारे में जाना, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस की बात जो की जा रही है यहाँ पर खासकर गोल्ड खरीदने के लिए, वो हम लोगों ने समझी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा जानने को मिला, क्या यहाँ पर अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में जो फाइन लगाया गया 2% के ऊपर, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर अमरपाल के बारे में जाना, जो कि एक सिंगर थे खासकर बंगाली मूल से रिलेटेड, इनके बारे में समझा। नेशनल पार्क रिविजन, ये था पॉलिटिकल रिविजन जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को बताना है कि हमारी रैंकिंग कितनी थी और अब कितनी हो गई है। इसी के साथ में हांगकांग की जो इक्विटी मार्केट है वो तीसरे नंबर की मार्केट बेस्ट बन गई है, किसको रिप्लेस करका? दो है यहाँ पर यूएसए और जापान, यूएसए और चाइना, तीसरा किसको रिप्लेस इसके द्वारा किया गया है, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। नासा की जो फीमेल पर्सनैलिटी है उसका नाम आप लोगों को बनाया, जो रिसेंटली अभी जान गई है, जिनकी जो कि फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी। स्टेट ओन जो करियर है उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा जेट एयरवेज के इंप्लॉय को जॉब देने की बात यहाँ पर की गई है। हमारी कंट्री का जो मिशन था साउथ सूडान में उसके बारे में आप लोगों को बताना है। 150 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर मेडल दिया गया है, तो कहाँ पर ये सर्व किए हैं ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट का नाम है कनम्मा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये यहाँ पर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। किसको यहाँ पर मिला है प्रेस्टिजियस AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, और मॉर्निंग में जो लेक्चर होता है प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आंसर मेरे साथ दिया कीजिए, और अपना शेड्यूल बनाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।